सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी की ये पुस्तक है आपकी, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। फर्स्टली आइए आपको बता दें कि हम किस प्रकार से आप अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने कॉपी में यहाँ पे सी डब्ल्यू देंगे, आपको दिख रही होगी। फिर से हम अपने कॉपी में यहाँ ड्रिप देंगे, ये इस प्रकार। और दिस इज द डेट टू डे टू डे 22/6, ठीक है? हम आपको पढ़ा रहे हैं हर्षी की मात्रा, ठीक है? तो आपके पृष्ठ संख्या 10 में है, आप निकालेंगे पृष्ठ संख्या 10। एवरीबडी टेक आउट योर पृष्ठ संख्या, पेज नंबर 10, ठीक है? ये तो देखिए कि हम हर्षी की मात्रा किस प्रकार आपको बता रहे हैं। यहाँ हम कुछ चित्र बनाए हैं, उसके माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। फिर से हम हर्षी की मात्रा को वर्णों में जोड़ के किस प्रकार से शब्द बनाते हैं वो बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो शब्द है ये एक तारा का है, ये जो चित्र है एक तारा हर्षी क तौम्या करता नौम्या कर रा एक तारा। और यहाँ पे ये है चिड़िया, देख रहे हैं? चौर सी कर ची रॉड सी करी यौम्या कर यहाँ चिड़िया। और इसी के नीचे आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे शेर, ये जो है ना शेर का चित्र है, शार सी कर सी र शेर। और ये है हमारा हिरण, हर सी कर ही र न। ये आप समझ गए चित्र के माध्यम से हम आपको बता दें कि क्या क्या का चित्र है। और अब आपको बताते हैं किस प्रकार से वर्णों में मात्रा को जोड़ के हम बनाते हैं। तो हर्षी की मात्रा, तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं हर्षी की मात्रा में हम छोटा सा एक वर्ड देते हैं तिल, ठीक है? ये तिल शब्द है, तिल को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो जोड़ हर्षई जोड़ो ल, यहाँ पे मात्रा दे देंगे, बराबर यहाँ लिख देंगे तिल। तिल को हम इस प्रकार से लिखेंगे, आप देख रहे हैं किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब आइए हमारा दूसरा शब्द है कवि, क जोर व जोर हर्षी कवि। इसी प्रकार से हम वर्णों में मात्रा हर्षी की मात्रा जोड़कर शब्द बनाते हैं और हम हिज्जे के साथ उच्चारण करेंगे ताकि हमें पढ़ना भी आ जाए, ठीक है? अब है छवि, छ जोड़ व जोड़ हर्षी छवि, यहाँ पे दिख रहा है आप। अब एक किसान, क जोड़ हर्षई जोड़ सौम्याकर्षा जोड़ न न, यहाँ पे लिखेंगे किसान। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, किसान। इसी प्रकार से हम आप अपने किताब में दिए गए सारे वाक्य को हिज्जे के साथ उच्चारण करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है विशाल बगिया तक, आप पहले देख रहे हैं चित्र को, अब बता रहे हैं हम आपको किस प्रकार से पढ़ेंगे। विशाल बगिया तक गया, तो इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे। वर्षी कर वीर तलावेशों में आकार ल विशाल ब वर्षी कर गी यम्या कैया बगिया त क तक ग यम्या कैया गया। अभी पूरे वाक्य को फिर से पढ़ेंगे, विशाल बगिया तक गया, समझ गए? हम अब आपको हम लिख के बता रहे हैं कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ हेडिंग लिख देंगे, वाक्य लिखें, हम अपने कॉपी में लिखेंगे। आपको स्कूल से जो पीडीएफ मिलेगी उसी को देख के आप अपने सी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू कॉपी में क्या क्या लिखना है वो आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे है
वर्षी का गीत रविशमया का नविशाल ब गहर्षी का गी अमया का या बगिया तक तक गया गया का या मैं ट्रिप्यून हमारा दूसरा लाइन ठीक है। दो नंबर देखिए दूसरी पंक्ति को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे वह साइकिल पर गया वह दंती समय आकर हर्षई करती का की ल साइकिल पर ग यम आकर या इसी प्रकार से लिखेंगे ठीक है। आप समझ गए ये। अब हम आपको बताते हैं यदि हमें राशि की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं तो फिर हम उससे वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे एक शब्द हम लिखते हैं उस यहाँ पे लिखेंगे वाक्य बनाए यहाँ क्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे वाक्य बनाए देखिए साइकिल दिया हुआ है साइकिल से वाक्य बनाएंगे साइकिल से बाजार चल साइकिल से बाजार बाजार चल समझे ये इस तरह से है। इसी तरह से आप इस वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे अपने किताब को। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इधर इधर और शिका वी मोम्या का मान विमान खर अम्या का रा खड़ा थम्या का था इधर विमान खड़ा था रिकवि रवि घर घर अम्या का आय अम्या का या आया रवि घर आया। इस प्रकार के पूरी पुस्तक को पूरी पुस्तक में दी गई पंक्ति को आप पढ़ेंगे आपके ये पुस्तक में दी गई हर्षी की मात्रा वाली पंक्ति को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बुक का है ये आपको हम अभी बता दे रहे हैं यहाँ पे है जो आपको हम PDF के माध्यम से देंगे आप अपने बुक में कंप्लीट करेंगे इसको पूरा भर लेंगे ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।